किसान भाइयों, हम आए हैं एडवांस फिश फार्म आसिफाबाद में। यहाँ पे इस फार्म पर बायोफ्लोक, ओपन पोंड, हाई डेंसिटी फिश फार्म, ये सारी चीज़ें जो हमने बनाई है वीडियो, इस पर चार वीडियो बनाई है, ये आपको पार्ट बाय पार्ट देखने को मिलेगी। तो पहला पार्ट इस वाली वीडियो में यह है। नमस्कार दोस्तों, हेलो किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आए हैं आसिफाबाद मेरठ के अंदर। यहाँ पर हम 50 एकड़ के फिश फार्म पर आए हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने आपको बायोफ्लोक दिखाया, लेकिन यहाँ पर जो बायोफ्लोक आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो सीमेंट टैंक के अंदर है। और सीमेंट टैंक के अंदर नहीं, बायोफ्लोक ओपन पोंड के अंदर भी आप कर सकते हैं। वो आज हम सिकंदर जी से बात करेंगे, जो इस फार्म के ओनर है। चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि कैसे आप ये नई तकनीक इन्होंने ईजाद की और क्या ये है। आइए हमारे साथ। तो सर, हमें ये बताइए कि ये आपने जो फार्म, एडवांस फिश फार्म स्टार्ट किया, ये आखिर आपने कब शुरुआत की, इसकी कब शुरुआत हुई? दरअसल हमने शुरुआत तो अभी 2 साल से की है यहाँ पे। और मैं जो फिशरी में आया हूँ, दरअसल मैं एजुकेशन लाइन से हूँ। मैं एक मेरठ में एक संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, और एक पब्लिक स्कूल और एक मैनेजमेंट कॉलेज बीएड बीटीसी कॉलेज, हमारा हेडवे कॉलेज के नाम से मेरठ में है। मेरा लाइव स्टॉक के पास काम करने का मन किया कि मैं लाइव स्टॉक के साथ काम करूँ, तो मैंने लाइव स्टॉक के साथ काम करने ट्रेडिशनल पोंड में काम स्टार्ट किया। 50 एकड़ में आप देख रहे हैं ये सब आपका पोंड। अगर हम दिखाना चाहें कि उस कोने से लेकर, एक बार दिखा दीजिए, वहाँ से लेकर पूरा उधर तक, शायद कैमरे की नज़र में भी ना आए, लास्ट तक बहुत बड़ा फार्म है यहाँ पे। और टोटल अंदाजन सर अगर देखा जाए, कितने फिश यहाँ पे आपने पाली हुई है? मैंने तकरीबन 5 लाख फिश अभी यहाँ पे स्टॉक किया हुआ है। अलग अलग स्पीसीज हैं हमारे पास। तो सर, हमें ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि 2 साल से आपने शुरुआत की, टोटल 50 एकड़ के अंदर और 5 लाख मछली आपने पाली हुई है। दरअसल अलग अलग पोंड में अलग अलग स्पीसीज हैं। मैंने पंगेशियस के साथ में IMC और कहीं एक्स्ट्रा अलग सिंगी फिश किया हुआ है, कहीं रूपचंदा है, कहीं ओनली IMC किया हुआ है, तो अलग सोल भी मैंने किया हुआ है यहाँ पे। तो अलग अलग स्पीसीज किए हैं अलग अलग पोंड में। तो सर, शुरुआत आपने इतने ही बड़े 50 एकड़ से कर दी थी या आपने? हमने शुरुआत में हमारे पास पहले कम था मामला, उसके बाद हमने उसको जैसे टाइम लगा हम बढ़ाते चले गए इसको। अब हमने इसमें 50 एकड़ में हम अब इसमें फार्मिंग कर रहे हैं। बायोफ्लोक से अलग, जो बायोफ्लोक सेटअप है वो हमारा अलग है इसमें जी। सर, हमें ये बताइए, अब आपने शुरुआत की, बायोफ्लोक के अंदर कितनी फिश है और बाहर ओपन में कितनी फिश है आपके पास? बायोफ्लोक में मेरे पास अभी 40,000 मैंने स्टॉक किया है, और बाहर कोई 4.5 लाख के आसपास, 4.5 लाख के आसपास हमारे पास बाहर भी है। बाहर भी। अब सर, जो हमारे किसान भाई सामने से देख रहे हैं, फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी, ये दिमाग में आती है जब आप एक कोई खेती करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ा होना चाहते हैं। आप इतना बड़ा फार्म आपने किया हुआ है, इतनी मछलियां आप पाल रहे हैं, आपके हिसाब से फिशरी जो है वो फ़ायदे का सौदा है या नहीं है? 2 साल के अंदर आपको क्या लगा? नहीं, फिशरी बहुत फ़ायदे का सौदा है। अगर हम काम को अपने तरीके से करते हैं और मॉनिटरिंग अच्छे से करते हैं तो फिशरी बहुत फ़ायदे का सौदा है। सर, हमें ये बताइए कि फिशरी फ़ायदे का सौदा है, अगर कोई ओपन के अंदर करना चाहता है, कैसे, कितना, मतलब कि उसके पास एरिया हो अलग में कि ओपन में इतना हो, या कितना एरिया बायोफ्लोक अगर वो कर रहा है कि भाई इतने एरिया में इतना पैसा कमा सकता है, एक मुनाफा कमा सकता है? देखिए, जहाँ तक एरिया की बात है तो आप 2 बीघा से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 1,000 गज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बायोफ्लोक में ज़्यादा जमीन की ज़रूरत नहीं होती है। और आप ओपन पोंड में काम करना चाहते हैं तो ओपन पोंड में आप 1 एकड़ से 1 बीघा से लेकर 100 बीघा तक जा सकते हैं, 100 एकड़ तक जा सकते हैं, जहाँ वो जितना हमारे पास कैपेसिटी है काम करने, जितने हमारे पास लैंड रिक्वायर्ड है उसमें हम काम कर सकते हैं। सर, अगर आपका देखा जाए, आप 50 एकड़ से कितने का सेल आउट कर रहे हैं, टर्नओवर कितना है? सर देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आई हैं, अब वो सब चीज़ हमारी सॉर्ट आउट हो गई हैं। जो हम शुरुआत में काम करते, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरा फील्ड जो है बिल्कुल अलग था, और मैंने सोचा था कि मैं लाइव स्टॉक के साथ काम करूं, तो लाइव स्टॉक में काम करने के लिए अब मेरे को जो लग रहा है, अब इसमें प्रॉफिट का अच्छा सीन है, आगे प्रॉफिट ही है, क्योंकि मेरे पास ग्रोथ अच्छी चल रही है फिश की, और जो मुझे प्रॉब्लम्स थी, जो शुरू में दिक्कतें आई हैं, वो सब दूर हो गई हैं, और अब बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अंदाजन टर्नओवर कितना होगा आपका, कि सेल कितने की हो जाते हैं मछली? से अगर हम अच्छे से काम कर सकते हैं, और अच्छे से काम करने के बाद हम 30-40% आराम से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो सर, हमें ये बताइए कि फिशरी अगर कोई करता है, फिशरी और पोल्ट्री और डेयरी में क्या अंतर हो सकता है, कौन सा फ़ायदेमंद है? देखिए, पोल्ट्री में भी रिस्क ज़्यादा है,
और आपका डेयरी का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है इतना, लेकिन मैं मानता हूँ कि फिशरी बहुत फ़ायदेमंद है, इन तीनों में मिला के सबसे ज़्यादा फिशरी फ़ायदेमंद है। तो सर, जो सामने से किसान भाई देखना चाह देख रहा है, उसे आप ये भी बताइए कि फिशरी के अंदर क्यों वो आए, क्यों स्टार्ट करे, और क्या क्या स्कोप है बायोफ्लोक का या ओपन पोंड का, या जो आपने ओपन जो बायोफ्लोक किया ओपन पोंड के अंदर क्या स्कोप है इसका, ये मैं अपने किसान भाइयों से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहें, अगर हमारे किसान भाई को स्टार्ट करना चाहते हैं, जो हमारे पास सबसे कमज़ोर ज़मीन है हम पहले उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो ज़मीन हमारी उपजाऊ भी नहीं है हम उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसमें हम पहले शुरुआत करें, थोड़ी ज़मीन से स्टार्ट करें, अगर हमें लगे कि हाँ भाई हमने एक कल्चर किया है, पहले छोटा स्टार्ट करें, उसके बाद हम उसको बढ़ा सकते हैं। आपके पास कितनी वैरायटीज़, आपने बताई कि कितनी वैरायटीज़ है? मेरे पास जो हमारी इंडियन मेजर कॉर्प है, जिसमें आपका जो हमारी यहाँ की कॉर्प है, जिसमें सिल्वर है, कॉमन कार्प है, रोहू है, कतला है, बिग्रेड है, जो हमारे यहाँ पे ओमन नॉर्थ में हम लोग फिशिंग करते हैं, ये तो हमारी ये हो गई। और हमारे में हाइब्रिड में आपका पंगेसियस है, रूपचंदा है, और हाई वैल्यू में हमारे पास पाबदा है, कोई है, सिंगी है, सोल है, ये हम सब फिश कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, सिकंदर जी से ये तो एक बेसिक इंट्रो था कि ये क्या काम कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी और वो जल्द ही आ जाएगी, उसमें हम आपको डिटेल से सारी चीज़ बताएंगे। ये इंट्रो अलग हमने किया है ताकि जो और दूसरी स्पेसिफिक चीज़ें हैं बायोफ्लोक ओपन पॉइंट के अंदर, आपको बिल्कुल स्पष्ट उसमें जानकारी मिल सके, डिटेल से आपको जानकारी मिल सके, इसलिए ये चीज़ें इसमें इंक्लूड हमने नहीं की है। तो ये वाली वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको सारी फिशरी के बारे में जानकारी देंगे हम। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।